हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आपके काफी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको एमके टूल्स लेके चलूं। मैडम क्या क्या सामान नया लेकर आई है, मतलब टूल्स के रिकॉर्डिंग, मैं वो भी अपडेट करूं। और अपडेट के साथ साथ जैसे कि आप यहां पर काफी सारे माइक्रोस्कोप वगैरह रखे हुए देख रहे हैं, ये तो आपको मिलने वाले इस माइक्रोस्कोप के साथ अलग से और क्या क्या चीजें अपडेट हुई है, चलिए पता करते हैं मैडम से। और ये मैडम हमें बताने वाली है कि और मार्केट के अंदर क्या क्या नई नई चीजें आई हैं। और मैं काफी चीजें यहाँ पर ऐसी भी देख रहा हूँ, बहुत सस्ती देख रहा हूँ, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा यहाँ पर मैं सस्ती वो आइटम है देख रहा हूँ। तो हेलो मैम। मैं ठीक हूँ मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और वो जो हमारे भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं वो भी काफी कमेंट कर रहे थे कि मैडम अब काफी टाइम से वो वीडियो में नहीं आई, तो मैं आज आपके पास आया हूँ। तो आप बताइए कि आप क्या क्या चीज नई लेकर आई हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मैम के टूल से। अच्छा, तो मैं आज काफी टाइम बाद हमने न्यू वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको नई नई आइटम्स थोड़ी और माइक्रोस्कोप की वैरायटी हमारे पास अमीर जी आई है जी। और एक सबसे सस्ता माइक्रोस्कोप हमारे पास आया है कि जो ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, उठाने पे और देखने पे तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ है ही नहीं कि कैसे इस पे काम करेंगे, लेकिन ये इसकी पिक्चर है। कुछ चीजें तो पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ जाएगी कि इस पिक्चर में क्या क्या इसके साथ हम कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले तो इसका जो ये बेस है ये ऐसा है कि इस पे अगर जैसे हीट भी लगेगी तो खराब नहीं होगा। ओके, सबसे पहले जो कस्टमर को ये चीज चाहिए होती है। सेकेंड, इसमें ये जो दिया हुआ है, ये इसका नीचे बटन दिया हुआ है जिससे कि इसको लूज करके आप किसी भी डायरेक्शन में आप लेके जा सकते हैं। फर्स्ट तो ये, क्योंकि मोबाइल सबके पास आजकल जो है एंड्रॉयड होता है, महंगा होता है, क्लैरिटी वाला होता है, मोबाइल इसमें फिट करके आप उसकी फिटिंग बना के आप नीचे कोई भी बोर्ड देखेंगे तो उसमें आपका आईसी का कंपोनेंट का पूरा क्लियर पिक्चर इसमें आपको नजर आएगी जी। ठीक है जी। और दूसरा, फिर आप इसमें अगर मूवी देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, तो वो पूरा इसका ये दिया हुआ है, आपको ऊपर नीचे करना है, इसका नीचे ये दिया हुआ है कि किस इसको डायरेक्शन में लेके जाना, 360 पूरे डायरेक्शन में ये घूम जाता है। ओके, ठीक है, आप मूवी भी देख सकते हैं। आपको टैब इसमें फिट करना है, आप टैब भी इसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, इसमें आपको कोई बोर्ड का काम करना है, कुछ भी काम करना है, तो वो इसमें आ रहा है। ओके, तो गाइस जैसे कि आपने देखा अभी मैम बिल्कुल नई चीज़ लेकर आई हैं, शायद ये यूट्यूब पे आपको पहले कभी देखने के लिए नहीं मिली होगी। बाकी इसका पर्सनल रिव्यू एक मैं एक छोटा सा रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा इसका, कि ये पूरा डिटेल में, मतलब डिटेल में दिखाऊंगा कि मदरबोर्ड किस टाइप से इसमें रिपेयर कर सकते हैं और उसके अलावा ये क्या क्या काम आने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप की काफ़ी सारी रेंज रखी है, चलिए इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो मैडम जी आप बताएंगे यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ जी, ये हमारे पास पहले भी माल आया था और अब फिर ये माल आया हुआ है एमके टूल का, बड़े बेस वाला है, कस्टमर बड़े बेस वाला कई लाइक करते हैं और इसकी जो जूमिंग है वो सबसे बढ़िया जूमिंग है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो ये आता है एमके टूल का ब्लैक वाला, ये भी बहुत अच्छा है, कैमरा ऑप्शन वाला है, कस्टमर इसको भी काफी डिमांड में है ये वाला पीस। और आगे जो है ये तो सबको पता ही है, MC75T जी मैकेनिक का, और MC75S विदाउट कैमरा ऑप्शन। ओके, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह है उसमें जो सिखाया जाता है तो उनको पहले बेसिक से सिखाया जाता है, ठीक है, तो उसमें वो पहले उनको विदाउट कैमरा ऑप्शन का ही प्रेफर करते हैं कि आप ये लो, सस्ता भी होता है और उसमें पहले काम करके फिर आगे वो लोग बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद ये जो है ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आया ही था हमारे पास जी, वैक्सून का विदाउट कैमरा ऑप्शन। ओके, तो गाइस इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और चीज़ों के साथ साथ पीछे भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें और यहाँ पर नई अपडेट हुई हैं। जैसे कि मान के चले, जैसे ये प्री इटर है, ये भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट नया अपडेट हुआ है। उसके साथ में बैटरी बोर्ड है, ये भी मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, ये भी बिल्कुल नया अपडेट हुआ है।
फिर उसके साथ में एक बैटरी बोर्ड और भी रखा हुआ है वो भी यहाँ। और काफ़ी भाइयों की डिमांड रहती है माइक्रोस्कोप की इसके लिए कि हमें कोई डिजिटल माइक्रोस्कोप दिखाएं एलसीडी में, एलसीडी के अंदर जो डायरेक्ट एलसीडी। तो ये जो माइक्रोस्कोप है इससे ये क्या होगा, ये हम कोई जैसे प्रिंट वगैरह हमें बनाना है या कुछ करना है इससे हम काफ़ी हद तक अपना काम कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ और भी है, अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे तो चलिए हम वीडियो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। और मैडम क्या चीज़ दिखाने वाले हैं? पीसीपी स्टैंड आए मैंने। ओके, तो गाइस पीसीपी स्टैंड वाली बात है तो यहाँ से आप देख के चलें, यहाँ पे आपको काफ़ी तरह की वैरायटी मिलने वाली है। यहाँ के बाद यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, नाना करते हुए भी छः तरह के यहाँ पर मैं इसी टाइम पीसीपी स्टैंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और पीसीपी स्टैंड के साथ साथ जैसे कि एमके टूल्स के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर लिक्विड भी रखे हुए हैं, ये क्या चीज़ है मैम? ये आईपी एसीटोन होता है जी, ये हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, ये विदाउट वाटर है, ये कि आप इसको यूज करोगे प्योर जो है वो चीज है ये। ओके, और ऐसे ही जैसे काफी हमारे रिपेयर मैन भाई हैं और उनको पावर सप्लाई के ऊपर केबल की जरूरत पड़ती है, बूट केबल की जरूरत पड़ती है एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड बूट केबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी और नो डाउट क्वालिटी भी काफी अच्छी क्वालिटी है। उसके अलावा अगर इस रो वाली बात है तो चलिए मैं इस रो के अंदर और आपको नोटिस कराता हूँ, ये क्या चीज़ है? ग्लू रिमूवर मोटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे भाई ओसीए का काम करते हैं उन्हें ग्लू रिमूवर मोटर मिलने वाली है। और इस मोटर के साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पर काफी सारी और वैरायटी मोटर्स की हमारे पास है जो कि हम आपको दिखाते हैं जी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये मॉडल है आपका CJ6+, एक तो ये मॉडल आ जाता है और एक ये जैसे कि ये टू इन वन है, इसके अंदर ये टू इन वन काम करता है। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं वो चलिए वो मैं कभी इसके ऊपर भी कोई पर्सनल वीडियो शूट करके दिखाऊंगा आपको। फिर भी अगर इसके अलावा अगर आपको इसी की भी डिटेल चाहिए तो मैम के व्हाट्सएप नंबर पे आप वो पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और एक ये मैकेनिक का है, नया मॉडल है ये, पहले इससे पहले आया था i9 आया था, ठीक है, अब i10 Pro आ गया है, इसका अपडेट मॉडल है ग्लू रिमूवर मोटर का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको तीन या चार तरह की ग्लू रिमूवर मोटर मिल जाती हैं और सबसे बड़ी बात ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रांड के अंदर मिलने वाली हैं। और ऐसे ही अगर ब्रांड वाली बात है तो जैसे पीछे अगर नज़र मार रहे हैं तो पीछे मैं देख रहा हूँ आयरन, जिसकी काफ़ी डिमांड रहती है और एक मेरी वीडियो पे काफ़ी आपके कमेंट आते हैं कि सर ये आयरन डिजिटल आयरन और 5 बिट वाला आयरन का मैंने एक वीडियो डाल रखा है वो हम कहाँ से लें, तो वो आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये देखिए डिजिटल आयरन आया है नया, ये देखिए ये डिजिटल आयरन नया आया है। सबसे बड़ी बात ये कि इनके खुद के ब्रांड के अंदर ये डिजिटल आया है, इसके अंदर जो भी टेम्परेचर होगा वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो करता रहेगा। और ऐसे ही 5 बिट वाला जो आयरन है वो भी चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए 5 बिट वाला जो आयरन है वो ये होता है। आपके काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं सर 5 बिट वाला आयरन कहीं से अरेंज करा दीजिए, तो वो आपको एमके टूल्स पे मिलने वाला है। और ऐसे ही अगर आपको बिट नहीं चाहिए, विदाउट बिट आयरन चाहिए, तो वो भी यहाँ आपको एमके टूल्स पे मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात ये कि ये रेगुलेटर के साथ होता है कि इसके अंदर जो हमें टेम्परेचर सेट करना है उस टेम्परेचर पर हम सेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने मॉडल दिखाए थे उसके अंदर भी आप टेम्परेचर यूज़, तो फ्लक्स की वैरायटी वाली बात है तो ये तो पीपीडी पेस्ट होगी ना जी, ये पीपीडी पेस्ट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एमटेक की फ्लक्स मिल जाएगी। और उसके अलावा यूवी मास्क है, यूवी ग्रीन। ये ग्रीन वाला जो ये यूवी है जिसमें कि हम प्रिंट वगैरह लगाते हैं उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स मिलने वाली है येलो और व्हाइट। ऐसे ही यहाँ पर वहां तक आपको फ्लक्स वगैरह सारी चीजें मिलने वाली है। और ऐसे ही अगर इधर वाली भी बात है तो इधर भी आपको जैसे ड्रिल WL-800 ड्रिल काफी चलती है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। WL के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज है, हम फ्लक्स स्टैंड है, ये जैसे कि हम कोई भी फ्लक्स लेते हैं उसमें हम बार बार चिमटी से दबा के उसको निकालते हैं इस तरह से, देखिए हमने सैंपल बना के रखा, ये सैंपल बना के रखा हुआ है, इस तरह से ये काम करता है जिससे कि हमारी वेस्टेज नहीं होती। इसके अलावा मल्टीमीटर की फुल वैरायटी पड़ी है, सनशाइन में मिलेंगे सारे मॉडल्स, मैकेनिक के सारे मॉडल्स हैं, ओके, एनालॉग में डिजिटल में सब मॉडल मिलते हैं। और इसी के साथ साथ एक हेडलेंस आया हुआ है, पीछे काफी इसकी कस्टमर की डिमांड थी कि हेडलेंस फिर दोबारा से मंगवाइए जी, तो ये भी हमारे पास अब स्टॉक में अवेलेबल है। इसके साथ लास्ट टाइम हमारे पास जो है अल्ट्रासोनिक क्लीनर फिनिश हो गए थे लेकिन अब वो दोबारा से स्टॉक आ चुका है, okay. आप देख रहे होंगे अल्ट्रासोनिक का स्टॉक T26 भी दोबारा स्टॉक आ चुका है हमारे पास, और पावर सप्लाई 8857 DW क्विक का, 861 SMD और ये क्या चीज़ है पावर सप्लाई, ये SMD है नहीं 2020D के नाम से डिजिटल है, बहुत अच्छी SMD है जी।
अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको वीडियो अपने चैनल पर लाने के लिए कि मार्केट के अंदर ये जो नई SMD आई है किस तरह की SMD है। और जैसे कि नीचे देख रहे हैं आप, सबसे हॉट सेलिंग मॉडल ये होता है अपना 857 क्विक का। मार्केट में जितने भी स्टूडेंट होते हैं या जितने भी सर्विस मतलब इंस्टीट्यूट होते हैं वो इसी के ऊपर रिपेयर सिखाते हैं, और रिपेयर सिखाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट जेन्युइन मिलने वाला है। अगर आप ये लेते हैं 857 DW+ लेते हैं, इसके अंदर भी आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलने वाला है। और क्विक की 861 DW+ वो 861 DW एक SMD आती है, वो भी यहाँ पर आपको MK टूल्स पर ओरिजिनल मिलने वाला है। ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी भाई मुझे कमेंट करते हैं कि मैं हम ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करें, तो MK टूल्स समीर जी इस पे कॉपी मॉडल भी आ चुके हैं मैं बता दूं आपको, और वो कम से कम 3,000 से स्टार्ट है। ओके 3,000 कोई दे रहा है, कोई 3,500 दे रहा है, कोई 4,000 दे रहा है, तो इसका जो कॉपी मॉडल मार्केट में आ चुका है। इसी के साथ ही मैं आपको इसके बारे में जो नया माइक्रोस्कोप बताया था कि सस्ता आया है सबके बजट में है, तो इसकी डिटेल जो है समीर जी आपको पूरा अपने चैनल पे देंगे, उससे आपको सारा फीचर्स बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो वो आप समीर जी ये चैनल पे अपने जरूर वीडियो डालना, ठीक है जी। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने MK टूल्स पर क्या क्या टूल्स नए अपडेट हुए हैं, मैं आज आपको वो वीडियो लेकर आया आपके लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।